वैशाली के बिदुपुर में कोरोना वायरस के महिला मरीज मिलने के बाद इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया है। वहीं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस की मरीज मिलने के बाद तत्काल 3 किलोमीटर के दायरे में पीड़ित गांव को सील कर दिया गया है और इसके दायरे में किसी को भी अंदर आने और जाने की पाबंदी लगा दी गई है। पीड़ित गांव की ओर जाने वाले रास्ते को बांस और बल्ले से बंद कर दिया गया है तथा प्रशासन हर आने जाने वालों पर पैनी नजर बनाए रखा है। गांव को सील किए जाने के बाद डीएम उदिता सिंह, डीडीसी विजय प्रकाश मीना ने संयुक्त रूप से इलाके का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि पीड़ित गांव के चारों ओर चिन्हित 12 स्थानों पर बांस और बल्ले से घेराबंदी कर दी गई है। वहीं 3 स्थानों पर आने जाने के लिए प्रशासन की निगरानी में विशेष गेट बनाए गए हैं, जिनमें केवल प्रशासनिक पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की इजाजत है, जबकि 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी को भी न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी को अंदर आने की इजाजत है। साथ ही इस दौरान इस इलाके में तमाम तरह के सरकारी और गैर सरकारी संस्था ने बंद रखने की हिदायत दी गई है। टीम ने बताया कि गांव की निगरानी करने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब हो कि बिदुपुर की रहने वाली महिला का पटना IGMS में कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला मरीज को फिलहाल हाजीपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित महिला के 11 परिजनों के साथ करीब 30 लोगों को क्वारंटाइन सेंट्रल में रखा गया है और इसका सैंपल लेकर पटना भेजा गया है। बिदुपुर इलाके में कोरोना वायरस के मरीज मिलने के बाद ग्रामवासी दहशत में हैं। वहीं प्रशासन की ओर से जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जो हर आने जाने वाले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वैशाली के आमेर गांव में लॉकडाउन के दौरान अनाज की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर सदर SDO संदीप शेखर प्रियदर्शी ने दल बल के साथ एक निजी गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान बड़े पैमाने पर जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के बीच वितरण की जाने वाली अनाज के सीलबंद बोरे बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गोदाम में सीलबंद बोरे से अनाज दूसरे बोरे में रखा जा रहा था, इसी दौरान छापेमारी हुई। इस छापेमारी में अनाज के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महुआ विधानसभा के 10 मजदूर कर्नाटक में फंसे हुए हैं। मजदूरों के सामने अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क साधा है तथा उन्हें कर्नाटक से निकालने की गुहार लगाई है। वहीं मजदूरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सहायता की अपील की है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के हम लोग 10 आदमी यहाँ फंसे हुए हैं कर्नाटका में। हम लोग को घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, नहीं खाने उने के लिए कोई आता है और ठेकेदार जो है सो हम लोग को बोलता है पैसा देंगे काम करो, और हम लोग को डर है कि हम लोगों को कोरोना कहीं हो ना जाए, इसलिए हम लोग को कोई सुविधा दीजिए। महुआ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न भागों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण गांव से लेकर चौक चौराहों तक जल जमा हो गया। जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, खास करके किसानों को, जिसके गेहूं की फसल
इस बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गए। वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली तथा मौसम सुहाना हो गया। वैशाली के भगवानपुर के सड़क पर नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। भगवानपुर अड्डा के पास NH 22 पर 200 एवं 500 के नोट गिरे मिले हैं, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। के पैसा देख लिए ये मिल आ तो पुलिस के कथि मिल ले पुलिस गड़बड़ दल के ना उफार के जरा दिल के पुलिस हां सवेर में पैसा उरियाबे जात रहे उ हम ना देख लिए लोग से कहै छी कि रोड पर मह जात रहे हां पैसा छेटे पुलिस के सबके पैसा के जरा गड़बड़ दल के जमीन की जाने के लोग जे फुआ छी फार लई हां देख लिए पुलिस फरवल के हां।